what repetitive content I'm talking about, right? खबर मिलने के बाद I was feeling helpless कि oh no, I'm not there with him. I mean, I always knew it कि he is getting old, उसका heart कितना handle कर सकता है इस operation को, और उसको करीबन 20 टाके लगे थे. It was quite stressful, like these past few weeks, mental health की तो एकदम लग चुकी थी. मैं उसके साथ भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी. परीक्षित लिविंग द कंट्री, आई जस्ट कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स. मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था बेसिकली. तो ये शेयर कुछ ऐसा है कि कभी अपना सा लगता है, कभी अपना सा नहीं लगता है. कुछ दिन और एंड शी इज गोना लिव दिस फ्लैट. Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. I know पिछले तीन हफ्तों से कोई भी लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट नहीं गया मेरे चैनल पे, ना व्लॉग्स के, ना नीश कॉन्टेंट, मेकअप स्किन के रिलेटेड कोई कॉन्टेंट नहीं गया लॉन्ग फॉर्म. बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट ऑन YT शॉर्ट्स एटलीस्ट. सो लास्ट लाइफ अपडेट वीडियो में मैंने आपको बताया था आई एम शिफ्टिंग टू मुंबई. इट्स बीन 3 months, 14 अक्टूबर को 3 महीने हो जाएंगे, और इन 3 महीनों में इतना कुछ हो गया है कि क्या बताऊँ मैं आपको. कुछ चीज़ों के लिए मैं प्रिपेयर थी, बट कुछ चीज़ों के लिए तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी. बेसिकली लाइफ हैपेंड. सो टुडेज वीडियो इज़ गोना बी लाइक लिटिल बिट ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, फैमिली, लाइफ इन जनरल. बात करते करते मैं मेकअप करूंगी अपना, और ये लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ. ये दीपिका पादुकोण का जो फराटा सॉन्ग है ना, उस पे लास्ट के कुछ क्लिप्स में उन्होंने ये वाला लुक पहन के रखा हुआ है. मैं ऑलरेडी एक बार क्रिएट कर चुकी हूँ फॉर YT शॉर्ट्स, और मैंने रियल फ्लावर्स भी पहने थे उसमें, बट अभी मैंने फेक फ्लावर्स डाल के रखे क्योंकि रियल फ्लावर्स में अरेंज नहीं कर पाई. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. सो जुलाई 14th को मैं मुंबई आ चुकी थी अपना सारा सामान लेके. इस फ्लैट में कुछ भी नहीं था. देयर इज नो फर्नीचर इन दिस फ्लैट, यू गाइस नो दिस ऑलरेडी. एंड आई वाज प्रीटी एक्साइटेड टू बिल्ड दिस अपार्टमेंट एंड मेक दिस अपार्टमेंट माई ओन. इसको घर बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी मैं, और ये सब करने में मेरा जुलाई का महीना काफी कुछ निकल गया. साथ साथ मुझे काम भी कंटिन्यू रखना था. यू नो इट इज नॉट ईजी. यू गाइस नो दिस ऑलरेडी दैट आई एम अ वन वुमेन आर्मी. मैं अपना सारा शूटिंग से लेके एडिटिंग तक, इवन जो ब्रांड डील्स होते हैं, वो सब मैं खुद हैंडल करती हूँ. आई डोंट हैव अ पर्सनल असिस्टेंट, नो मैनेजर, नो टीम ऑफ माय ओन एज सच. और मेरा एक रीज़न ये भी था कि मैं मुंबई शिफ्ट होके एक टीम भी बिल्ड करूँ अपना, जिसका प्रोसेस मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी. सो नाउ आई एम विथ हनीकॉम मीडिया. हनीकॉम मीडिया के साथ मेरा टाई अप है फॉर 6 months के लिए, एंड दे मैनेज माई वर्क नाउ. दे मैनेज ऑल द ब्रांड डील्स, एंड ट्रस्ट मी, मेरा काफ़ी कुछ काम ईजी कर दिया उन्होंने. एंड अभी तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया उनके साथ. जुलाई और अगस्त के महीने में जो कॉन्टेंट मैं पोस्ट करी थी, दैट वॉज रिकॉर्डिंग व्लॉग्स. एंड आई वॉज गेटिंग सो मेनी कॉमेंट्स कि शालिनी सिर्फ व्लॉग्स क्यों आ रहे, वेर इज योर नीश कॉन्टेंट. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई गेट यू गाइज. आई ऑल्सो वॉन्ट टू कीप ऑन पोस्टिंग माई नीश कॉन्टेंट. कुछ नया हटके मैं दिखाना चाहती हूँ अपने चैनल पर. मैं वही रिपीटेटिव कॉन्टेंट नहीं पोस्ट करना चाहती. यू नो वॉट रिपीटेटिव कॉन्टेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? लाइक आई लव फिल्मिंग ग्लो अप्स, आई लव डूइंग रूटीन वीडियोज, बट आई फील है कि एक पॉइंट के बाद ना वो एकदम ऐसा लगता है कि यार ये तो पहले भी दिखाया था. इवन दो मैनी ऑफ यू गाइस इंजॉय इट, बट गेस आई एम वर्किंग ऑन सम न्यू काइंड ऑफ कॉन्टेंट कॉन्सेप्ट. थोड़ा हट के कुछ चैनल पे लाऊं. डर भी लगता है यार, क्या पता व्यूज आएंगे कि नहीं, बट अब देखते हैं. कुछ ज्यादा कलर करेक्शन हो गया है फेस पे. सो अभी भी फ्लैट में काफी कुछ काम बचा है, काफी कुछ फर्नीचर आना बचा है. एक आईकिया ट्रिप भी करनी पड़ेगी. सो लास्ट वीक ऑफ अगस्त मैं गई थी इंदौर. आपको पता ही है, मैंने उसके रिगार्डिंग ब्लॉग भी पोस्ट किया कि मैं जा रही हूँ इंदौर टू हेल्प माई बेस्टी दिव्यता विथ हर वेडिंग शॉपिंग, जो कि अभी दिसंबर में होने वाली है. और वो रहती यहाँ पे नहीं है, वो USA में रहती है, इसलिए वेडिंग की शॉपिंग करने के लिए वो कुछ ही दिनों के लिए आई थी. एंड आई वॉन्टेड टू हेल्प हर आउट. और दोस्त होते किस लिए यार, मतलब मेरी बेस्टी की शादी है, बचपन की चाइल्डहुड दोस्त की शादी है. सो आई वॉन्टेड टू बी देयर फॉर हर. 2 या 3 दिन वहाँ शॉपिंग करेंगे एंड देन आई विल गो टू भोपाल. सो इंदौर से भोपाल पास ही है, और वहाँ पे भोपाल में कुछ दिन रहने वाली थी मैं, एंड देन मैं वापस आ जाने वाली थी मुंबई. बट जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं. जब मैं इंदौर में थी ना, मुझे खबर मिलती है, मम्मी का फ़ोन आता है मुझे, और वो बताती कि पापा को डेंगू हुआ है. उनकी तबीयत वैसे काफ़ी टाइम से ख़राब ही थी, उनको बुखार था, उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था. फिर ब्लड टेस्ट से पता चला कि उनको डेंगू है, और उनका जो प्लेटलेट काउंट था उस टाइम पे दैट वाज 98K. और नॉर्मल जो रेंज होता है प्लेटलेट काउंट का, वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है. सो उनका कम था, ठीक है. और डॉक्टर ने बोला कि अभी एडमिट नहीं करेंगे, इनको ऑब्जर्व करना, आप घर ले जाओ, और 3 दिन लगातार इनके ब्लड टेस्ट होंगे, एंड देन रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं कि कंडीशन क्रिटिकल है कि नहीं, फिर हम जाके उनको एडमिट करेंगे. और जब मुझे खबर मिली ना, आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस, क्योंकि पापा और मम्मी भुवनेश्वर में थे तब, एंड मैं इंदौर में थी, और मेरे भाई बहन भोपाल में. सो सब ऐसे अलग अलग जगह पे हैं. सो खबर मिलने के बाद आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस कि ओ नो, आई एम नॉट देयर विद
him and I don't know whether I should travel abhi ki I should wait for another blood report and then travel. Kuch samajh nahi aa raha tha mujhe. So next day shaam ko main ghar pahunch gayi thi. Papa ka test subah hua tha, result shaam ko aaya aur humko pata chalta hai ki papa ka platelet count 98k jo tha usse itni jaldi drop down hua hai, it's 38k now and he is in critical condition. We have to admit him. Aisa situation tha. Ab aap socho. Fir usi raat ko papa ko Som hospital mein admit kiya gaya aur main next day भुवनेश्वर के लिए निकल गई. मैं सुबह उठी, मैंने अपने फ्लाइट की टिकट बुक की. विद इन 2 आवर्स मेरी फ्लाइट थी. मैं भोपाल से हैदराबाद गई, फिर हैदराबाद से भुवनेश्वर गई. और मेरा जो बैग था ना वो मैंने अनपैक भी नहीं किया था. जैसा का तैसा जो इंदौर से लेके आई थी मैं वैसा का वैसा बैग लेके चली गई. फिर जैसे ही मैं भुवनेश्वर लैंड हुई, मैं पापा से मिली, तब जाके ना मेरी जान में जान आई. सोम हॉस्पिटल से हम लोग ने उनको सोम अल्टीमेट में शिफ्ट किया फॉर बेटर फैसिलिटी एंड केयर. वहाँ पे वो करीबन 3 दिन तक थे और एवरी डे इस प्लेटलेट काउंट वॉज इंक्रीजिंग. एंड जिस दिन उनको डिस्चार्ज किया गया ना सोम अल्टीमेट से, उनका प्लेटलेट काउंट था 1,17,000 जो कि नॉर्मल रेंज ही एकदम पास ही आ रहा था. एंड डॉक्टर सेट कि अब इनका प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा ही, बट एवरीडे टेस्ट अभी भी 5 दिन तक करना पड़ेगा लगातार. मैं भुवनेश्वर में कुछ 10 से 12 दिन तक थी. मैंने डिसाइड किया था कि जब तक पापा का प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता, प्लस पापा थोड़ा बेटर फील करना शुरू नहीं करते, मैं भुवनेश्वर से नहीं जाने वाली. मैंने ना काम के बारे में सोचा, ना वीडियोज के बारे में सोचा, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा. आई वॉज जस्ट देयर टू हेल्प आउट माई फैमिली. माई फैमिली नीडेड मी. थैंक्स टू सोम एंड सोम अल्टीमेट के डॉक्टर्स एंड द केयर ऑफ द फैमिली. पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है. एंड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु टेक्स्टेड मी, डीएम्ड मी एंड कॉमेंटेड इन माई वीडियोज, प्रेड फॉर माई डैड. इट रियली ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी. सो भुवनेश्वर से मैं मुंबई वापस आई और मैं अकेले नहीं आई. आई केम बैक हेयर विथ माई सिस्टर. यहाँ पे हम लोग कुछ एक हफ्ते के लिए थे एंड देन वी वेंट बैक टुगेदर टू भोपाल. अब आप सोचोगे कि आप भोपाल क्यों चली गई वापस शालिनी? बिकॉज आर डॉग लियो नीडेड सम मेडिकल अटेंशन गाइज. ही वॉज नॉट डूइंग वेल. सो लियो को हीमोटोमा करके कंडीशन है, वो हुआ था उसके ईयर फ्लैप में. इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज आई थिंक यही कहते हैं उसको, वो फट जाते हैं और जो लिक्विड फ्लूइड होता है ना वो जमा होना शुरू हो जाता है आपकी स्किन के अंदर ही. पहले उसको बहुत छोटा सा था हीमोटोमा. हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि विद मेडिसिन वो चला जाएगा, बट फिर उसको एक और जगह पे हो गया और वो दोनों जगह मिक्स होके इतना बड़ा हो गया उसको हीमोटोमा. सो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसको जाके भी देखती तो क्या है, मतलब डॉक्टर क्या कह रहा है, ऑपरेशन करना जरूरी है क्या, ऑपरेशन से ही ठीक होगा क्या, मतलब क्या सिचुएशन है बेसिकली. सो भोपाल जाने के बाद मैंने और दीदी ने 2 डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट कराया लियो को. सो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन इज द ओनली वे एंड देयर इज अ 10% रिस्क फैक्टर आल्सो. और वो 10% रिस्क फैक्टर सुन के तो मैं तो बहुत ही ज्यादा फट गई थी. सीरियसली आई वॉज क्राइंग द होल टाइम घर वापस आके डॉक्टर से ये बात सुन के कि 10% रिस्क फैक्टर है. उन्होंने डॉक्टर ने लियो के हार्ट का एक्सरे भी लिया जस्ट टू चेक कि उसका हार्ट कितना हैंडल कर सकता है इस ऑपरेशन को. एंड हिज हार्ट साइज इज बिगर देन नॉर्मल हार्ट साइज फॉर बीगल्स. सो बीगल्स का 9.5 सेंटीमीटर कुछ होता है, उसका 11.5 है, तो उसका हार्ट साइज भी बड़ा हुआ है. उसकी हार्ट की मेडिसिन शुरू की डॉक्टर ने कि अब इसको रेगुलर ये मेडिसिन चलता रहेगा. सो आई वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट हिस ऑपरेशन. आई कांट इवन टेल यू. ऑल्सो ही वॉज इन सो मच डिस्कम्फर्ट गाइज. वो पता है एक कान को ऐसे रख के ऐसे चलता था या ऐसे रख के देखता था क्योंकि उसको भारी भारी लगता था ना. एंड वो खुजा भी नहीं सकता वहाँ पे, वो पंजा भी नहीं लगा सकता क्योंकि फिर उसको दुखता है वो चीज़. एंड वी नो कि ऑपरेशन नहीं करोगे तो वो डिस्कम्फर्ट में रहेगा पूरे टाइम. एंड ऑपरेशन करोगे देन देयर इज अ 10% रिस्क फैक्टर ऑल्सो. सो दो डॉक्टर को कंसल्ट किया था. जो दूसरे डॉक्टर है उन्होंने लियो का ऑपरेशन पहले करा हुआ है. लियो को जब चेरी आई हुआ था तब उन्होंने उसका ऑपरेशन किया था. तो वी वेंट अहेड विद आर सेकेंड डॉक्टर एंड मैंने 2 दिन का टाइम लिया. ओके, और वो 2 दिन में बहुत रोई हूँ गाइस. और मैंने ना एकदम से रियलाइज भी नहीं किया था दैट लियो इज ओल्ड. आई मीन आई ऑलवेज न्यू इट कि ही इज गेटिंग ओल्ड, उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए एंड ही डज नॉट लाइक टू प्ले एनी मोर. बट जब डॉक्टर ने उसकी एज बताई ना मुझे कि 8 साल 8 महीने का हो गया, क्योंकि डॉक्टर के पास उसकी पूरी हिस्ट्री है, इट जस्ट सडनली हिट मी एंड इट वॉज क्वाइट स्ट्रेसफुल. लाइक दीज पास्ट फ्यू वीक्स लाइक विथ माई डैड नॉट बींग वेल, विथ लियो का ऑपरेशन एंड देन पोस्ट केयर जो लियो का होना था वो सबको लेके एंड देन काम भी नहीं कर पा रही हूँ, मुंबई में शिफ्ट हो गई हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि माई लाइफ इज फॉलिंग अ पार्ट बेसिकली. एंड आई वॉज लाइक कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा जीवन में. सो मेंटल हेल्थ की तो एकदम लग चुकी थी बहुत अच्छी वाली. एनीवे फिर लियो की सर्जरी कराई एंड इट वॉज सक्सेसफुल. थैंक गॉड, थैंक्स टू द डॉक्टर. उन्होंने बहुत अच्छे से सर्जरी की. पोस्ट केयर अच्छे से करना था लियो का जो कि अभी भी चल रहा है. और उसको करीबन 20 टाके लगे थे और 20 टाके अब खुल भी चुके हैं. और अभी मम्मी भी आ गई है वापस भोपाल कुछ दिनों के लिए टू टेक केयर ऑफ लियो. और लियो ना मम्मी के सबसे ज़्यादा क्लोज है. आई वॉन्टेड समवन जिससे लियो इतना प्यार करता है. आई मीन कुछ जैसे चोट लग जाती है ना छोटे बच्चों को, सबसे पहले वो जो सबसे प्रिय इंसान होता है उसको ढूंढते हैं. तो लियो इज़ दैट काइंड ऑफ डॉग. आई मीन उसको अगर अच्छा नहीं
लग रहा होगा और कुछ अजीब सा लग रहा होगा, ही विल ट्राई टू फाइंड मॉम इन द हाउस की यू नो कि मुझे सहलाओ या मुझे खाना दो या मुझे प्यार कर दो. सो जब मम्मी आ गई भुवनेश्वर से भोपाल लियो का ध्यान रखने के लिए, नेक्स्ट डे मैं मुंबई वापस आ गई. And I have been trying my best to get back to my work life. Or I also want to mention Supriya, guys. You know, my flatmate Supriya, my bestie. अगर वो नहीं होती मेरे साथ इस फ्लैट में, मैं तो आई थिंक मैं वापस चली जाती भोपाल. She was such a great support and I'm so grateful to her. कि she was here all the time. She has seen me cry. She has seen me angry. Like जो भी emotion है वो सब देखा उसने. And she used to just calm me down कि it's okay Shalini, we all are here, सब ठीक हो जाएगा. And you need that person in your life. ये सब ना आप अकेले नहीं कर सकते. You need your family, friends, your close ones with you. जब भी आपके जीवन में कुछ crisis चल रहा होता है, you need those people in your life. And I'm so grateful that I have few good people in my life and they are always there for me. मैं eyeliner लगाते लगाते ना आप लोगों से बात नहीं कर सकती. Because it's difficult, so let me just apply this eyeliner. Okay, I guess they both are looking even. Anyway, another big change that happened in my life is related to friendship. So mere jitne bhi close friends hai na, besties jinko main bulati hu, un sab ke sath main na long distance relationship mein hi rahi hu, except Supriya abhi ke liye. Otherwise main uske sath bhi long distance relationship mein thi most of my life. So yes, my best friend Parikshit, he left the country India so go to Glasgow, Scotland for his further studies. He is pursuing MBA there. Adam Smith Business School mein uska admission hua hai and ek saal ka ye course hai. Ye mahine mein ek do baar aise milna julna ho hi jata tha, but this is going to be one year thing. I won't be seeing my best friend and this was heartbreaking. You know, मैं उसको see off करने के लिए गई थी, यहीं से जाने वाला था मुंबई से. उसकी फ्लाइट थी रात को, ठीक है. मैं और सुप्रिया दोनों गए थे एंड आई जस्ट कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स. आई वॉज जस्ट क्राइंग. और मैं घर आके भी बहुत रोई थी, नॉट जस्ट बिकॉज परीक्षित लिविंग द कंट्री. आई वॉज जस्ट क्राइंग बिकॉज सो मेनी थिंग्स happened in my life in this 1 month span mein ki it was hard for me to like deal with everything, to cope up with everything and mera breaking point aa gaya tha basically. So I broke down like crazy. Main raat bhar bahut 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 royi thi, bahut stress mein thi. Aapke it's hard yaar, aapke acche kareebi dost jab aise सेम शहर में या सेम कंट्री में नहीं रहते ना, अच्छा नहीं लगता. आई नो मैं दुखी हूँ कि वो नहीं है सेम कंट्री में अब, बट मैं खुश हूँ कि उसका इतने अच्छे बिजनेस स्कूल में हुआ है, उसका करियर बहुत आगे जाने वाला है. बस वो खूब जम के पढ़ाई करे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो उसके जीवन में, और क्या चाहिए. ओके, आई एम ऑलमोस्ट डन विद द लुक, फिनिशिंग इट विद सम ब्राउन लिप लाइनर. शाम की लाइट भी जाने वाली है गाइस. We have to do it fast, fast, fast. And then I'm gonna use Superstay Matte Ink Lipstick by Maybelline. This is in the shade Pioneer. कितना खूबसूरत शेड है ये. Look at this shade. So अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो ये शहर कुछ ऐसा है कि कभी अपना सा लगता है, कभी अपना सा नहीं लगता है. यहाँ पे सेटल होने में मुझे काफी समय लगेगा, मैं जानती हूँ, बट मैं अपने आप को वो समय देना चाहती हूँ. यू नो, मैं एकदम से कोई परसेप्शन नहीं बनाना चाहती इस शहर के बारे में. देर हैज बिन मोमेंट्स दैट आई फील वेरी अलोन इन दिस सिटी, बट देर हैज बिन मोमेंट्स वैन आई फील वेरी मच अलाइव एंड आई फील की सब कुछ बहुत सही सही चल रहा है. बट अभी तो वो सुप्रिया है तो ऐसा फील आ रहा है मुझे, बट मुझे ये भी पता है कि वो भी नहीं रहेगी यार मेरे साथ. वो अभी कुछ दिन और एंड शी इज गोना लिव दिस फ्लैट. वो शादीशुदा इंसान है, ठीक है, उसकी खुद की भी फैमिली, खुद का लाइफ है उसका. वो पूरे टाइम मेरे साथ नहीं रह सकती. वो अभी इसलिए मेरे साथ रह रही थी, आई थिंक ये काफ़ी लोग को डाउट और क्वेश्चन भी है. वो इसलिए रह रही थी क्योंकि उसका जो हस्बैंड है, अमय नाम है उसका, वो SVGN में MBA की पढ़ाई कर रहा है. उसकी पढ़ाई भी खत्म होने में आ रही है, इसीलिए सुप्रिया यहाँ पे रह रही थी. अमय का भी आना जाना लगा रहता है इस फ्लैट में. सो येस, शी हैज़ हर ओन लाइफ गाइस, शी कांट स्टे विद मी फॉर एवर. ये मैं आपको बता रही हूँ या खुद को बता रही हूँ, आई डोंट नो. जस्ट अप्लाइंग सम रूवी गो एज वेल ऑन द सेंटर ऑफ माई लिप्स, थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए लिपस्टिक को. सो यस, दिस इज द लुक. दिस इज प्रीटी क्लोज टू दीपिका'स लुक एज वेल. मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये लुक कैसा लगा. आप इसको डेफिनेटली दुर्गा पूजा या नवरात्रि में पहन सकते हैं, अपकमिंग वेडिंग सीजन के लिए भी. मेरे चैनल पे व्लॉग्स, मेकअप, स्किन केयर रिलेटेड कॉन्टेंट अब आएंगे, बस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट मेरे चैनल पे. और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. आई रियली कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ, यू नो, बिकॉज जो भी हूँ, जहाँ भी मैं पहुँच पाई हूँ, वो आप लोग के प्यार की वजह से हूँ. एंड आई विल ऑलवेज ट्रूली बी ग्रेटफुल टू यू गाइज. और अब ना मुझे काफी हल्का और अच्छा भी फील हो रहा है, क्योंकि जो भी दिल में था वो सब मैंने शेयर कर लिया आप लोग के साथ. एंड दिस इज मी एंड दिस इज वेयर आई हैव बीन बेसिकली. बस अब कहने को कुछ है नहीं. जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है. एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.